चारधाम यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निर्बाध जारी है। बात केदारनाथ धाम की करें तो यहां महज डेढ़ माह में ही श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले साल के पूरे यात्रा काल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके पीछे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा और गुफा में किए गए ध्यान को भी माना जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल केदारनाथ के दर्शनों के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। 16-17 जून 2013 को आई भीषण आपदा के बावजूद यात्रियों का उत्साह कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ता जा रहा है। चार धाम में सर्वाधिक कठिन और करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई तय करके की जाने वाली केदार यात्रा के लिए इस वर्ष श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा है। 9 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे, तब से अब तक करीब डेढ़ माह में ही 7,48,000 से ज्यादा यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल पूरे यात्रा काल में 7,32,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से जहां रुद्रप्रयाग प्रशासन खुश है, वहीं उसके समक्ष यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की चुनौती भी बढ़ी है। केदारनाथ यात्रा की हम सन 2019 की बात करें तो इस वर्ष डेढ़ महीने में लगभग 7,48,000 श्रद्धालु आ चुके हैं, जबकि अगर 2018 का आंकड़ा हम लें तो पूरी यात्रा में 7,32,000 श्रद्धालु वहां पर आए थे। तो इतने कम समय में इतने अधिक संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों के लिए आर्थिकी का एक माध्यम बन रहा है, रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन के समक्ष एक चुनौती भी हो रही है कि इतने अधिक संख्या में यात्री आ रहे हैं तो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, केदारनाथ में रहने की सुविधा, यात्रियों के लिए अच्छे खाने की सुविधा, उनके लिए शौचालय, मेडिकल, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को बेहतर रूप में यात्रियों को उपलब्ध करानी है। तो हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम लोग नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जो जो सुविधाएं एड ऑन होनी है, क्योंकि आने वाले समय में यात्रा के और अधिक बढ़ने की संभावना है। केदारनाथ यात्रा के इस बार बेहद सफल होने की एक वजह कपाट खुलने के बाद 18 मई को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय यात्रा को भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान रुद्र गुफा में ध्यान भी लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद से ही इस ध्यान गुफा की ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से लोग उस गुफा में ध्यान के लिए आ रहे हैं। प्रशासन अब अन्य ध्यान गुफाओं के निर्माण की तैयारी में है। केदारनाथ में जो मेडिटेशन केव है, पिछले वर्ष इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। इसके संचालन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को दी गई है। हम लोगों ने इसमें ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर दी थी और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अगर हम देखेंगे तो इस वर्ष जो बुकिंग्स हैं वो लगातार हैं। इस संबंध में मेरी गढ़वाल मंडल विकास निगम के RM से बात हुई थी तो उन्होंने भी अवगत कराया है कि जुलाई के अंत तक लगभग बुकिंग लगातार उसमें है। तो एक तरीके से उस गुफा के इस लगातार जो बुकिंग मिल रही है उसको देखते हुए हम लोग के सामने ये भी एक अब एक लक्ष्य हो गया कि हम अन्य गुफाओं का भी वहाँ पर निर्माण करें, और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश भी दिए हैं कि इसमें अन्य गुफाओं का भी निर्माण किया जाना है। केदारनाथ के इतिहास में ये भी पहली बार ही हुआ है जब किसी एक दिन में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 36,000 से अधिक पहुंची। अभी करीब 4 माह की यात्रा शेष है। ऐसे में माना जा रहा है कि यात्रियों की संख्या इस बार काफी अधिक रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।